प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का ताज किसी के सिर भी नहीं सजा। सभी को इंतजार है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और कई कद्दावर नेता इसकी दौड़ में है। इधर वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है, और दूसरी ओर कई विधायकों की क्लास प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह ले रहे हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी। ऐसे में सीएम की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और ओम माथुर जैसे नेताओं का नाम है। अगर बालकनाथ के सीएम बनने की बात की जाए तो ज्योतिष बताते हैं कि बालकनाथ की जन्म की तारीख 16 अप्रैल 1984 है। इस हिसाब से ज्योतिष में उनकी भी संभावना कम दिखाई दे रही है। वहीं दिया कुमारी की जन्म तारीख 30 जनवरी 1971 है, और इस समय दिया कुमारी के ग्रहों की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर निश्चित तौर पर दिया कुमारी का राजस्थान का सीएम बनना संभव है, क्योंकि उनकी जन्मपत्री बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। बृहस्पति की महादशा और गजकेसरी का योग बहुत ही उच्चस्थ पद पर स्थापित कर देता है। ऐसा समय उनका चल रहा है कि उनके सीएम बनने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान में सीएम की रेस में ओम माथुर का नाम भी चल रहा है। ज्योतिष के मुताबिक ओम माथुर के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। ओम माथुर के भी गजकेसरी योग बना हुआ है, एक पंच महापुरुष योग भी बना हुआ है जो बहुत कम जन्म पत्रियों में होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक संत की तरह जीवन जीते हुए सनातन धर्म के लिए अपना जीवन जी रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने बीजेपी को बहुत सहयोग दिया है, इसलिए उनके सीएम बनने की प्रबल संभावना ज्योतिषी में नजर आ रही है।